गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आपको एक्टिविटी बुक में पेज नंबर 76 कराऊंगी। तो आप अपनी एक्टिविटी की बुक ओपन करिए और उसमें पेज नंबर 76 निकालिए। ओके, ये है आपका पेज नंबर 76। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें सेंटेंस लिखा हुआ, मतलब वाक्य लिखे हुए हैं, हमें उनको रीड करना है। रीड करने के बाद फिर हम उसको ट्रेस करेंगे, जो डॉट से लिखे हुए हैं हम उनके ऊपर ट्रेस करेंगे, और ट्रेस करने के बाद फिर अपनी राइटिंग में यहाँ पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ओके, तो उससे पहले हम इसको रीड करेंगे कि ये लिखा क्या है। ओके, तो बोलिए मेरे साथ में ये क्या है। ज ज य ज ए ध र इधर आ। तो क्या बना सेंटेंस, ज इधर आ। सड़क सड़क पर पर मत मत चल चल सड़क पर मत चल। तो सेंटेंस क्या है, जय इधर आ सड़क पर मत चल। अब आपको इसको क्या करना है, अब आपने रीड कर लिया, अब आप इसे बोल बोल कर यहाँ पर ट्रेस करेंगे जो ये डॉट से शब्द लिखे हुए हैं, मतलब बने हुए हैं। ओके, तो चलिए अब हम इनको ट्रेस करेंगे। सबसे पहले हम अपन लाइन कर लेते हैं सभी के ऊपर। ओके, इसी तरह से अभी क्या है, ज, तो इसी तरह से बोल बोल के लिखेंगे ज य ज इ ध र इधर आ इधर आ। अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो इसके पीछे हम क्या लगा देंगे, क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। ओके, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में। ओके, अब नेक्स्ट ये क्या है, स स ड क सड़क। अब बताइए ये जो लेटर आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे व्यंजन बोलते हैं या विकसित ध्वनि बोलते हैं, बोलो क्या है ये। ये विकसित ध्वनि है। ज़्यादातर बच्चे पर क्या कर रही हैं, इसको व्यंजन में लिख देती हैं। व्यंजन में जो ड आता है, ट वर्ग में जो ये लेटर आता है ड, तो उसके नीचे बिंदी होती है, नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो वहाँ पर ड होता है, समझ आया। अब ये क्या है, ये है ड के नीचे ये बिंदी लगी हुई है, तो इसका नाम, इसका साउंड जो होता है ड नहीं होता, क्या होता है, ड होता है, क्या होता है, ड। ओके, तो अब कोई इसको व्यंजन नहीं लिखेगा, मतलब व्यंजन नहीं मानेगा और ना ही व्यंजन मानकर इसको लिखेगा ट वर्ग में। ओके, अब इसको रीड को ये क्या लिखा है, ये प र पर म त मत च ल चल जय इधर आ सड़क पर मत चल। ओके, अब हमने ये ट्रेस कर लिया, अब आपको यहाँ पर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। और देखिए ये जो यहाँ पर लाइंस बनी हुई है ना, 1 2 3 4 5, ये जो लाइंस बनी हुई है ना, तो आपको सबसे ऊपर वाली लाइन में नहीं लिखना है। आप ध्यान से देखिए कहाँ से लिख रहा है, स्टार्ट हो रहा है ये, इस बार रेड वाली लाइन को छोड़कर जो ये अंदर की 3 लाइंस हैं इसमें हमें लिखना है। तो आपको भी इसी तरह से लिखना है। ओके, तो हम सबसे पहले अपर लाइन करेंगे यहाँ पर। अपर लाइन करने के बाद फिर यहाँ पर हम सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे इसको। ओके,
तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हम उसको रीड कर लेते हैं। लेकिन जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं ये क्यों दिए हुए हैं पता है आपको? जिससे कि आप इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखें, जिससे कि अगर आपको कोई लेटर बनाना नहीं आ रहा है तो आप उस लेटर को अच्छे से बनाएंगे जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है, ओके, जिससे कि फिर आपकी राइटिंग अच्छी लगने लगेगी, गंदी नहीं लगेगी और ना दिखेगी, ओके। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्या है नेक्स्ट, रीड करो इसको। अकबर, अकबर, अकबर। अभी कितने लेटर का है? 1 2 3 4 फोर लेटर का है, इसलिए हम इसको टू टू करके बोलते हैं, ओके। अकबर, अकबर। सर कस, सरकस। तक, तक। चल, चल। हल, हल। रख, रख। हल, रख। ये सेंटेंस क्या था? अकबर सर्कस तक चल और ये है हल, रख। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको भी ट्रेस करेंगे, ओके। ये जो डॉट्स से वर्ड्स लिखे हुए हैं हम इनके ऊपर ट्रेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपर लाइन कर लेते हैं, ओके। तो देखिए मैंने अपर लाइन कर ली इस तरह से, अभी मैं सभी पर कर लूँगी सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो देखिए कर ली मैंने, अब इसको बोल बोल कर यहाँ पर लिखूँगी। क्या है ये? अ क ब र, अकबर। स र क स, सर्कस। त क, तक। च ल, चल। अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। अब ये क्या है? ह ल, हल। र ख, रख। हल, रख। तो देखो ये भी हमने इन दोनों सेंटेंस पर ट्रेस कर लिया, ओके। अब आप यहाँ पर अपर लाइन करेंगे, अपर लाइन करने के बाद इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, ओके। और वो भी बोल बोल कर लिखेंगे, ओके। तो चलिए अब आप इस पेज नंबर 76 को कंप्लीट करो और रीडिंग करो। तब तक के लिए बाय बाय।